हेलो एवरीवन। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्कूल लेवल पे तो ये आता ही आता है, इवन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार आता है। तो ये जो चीज है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपीजियम आपको नजर आ रही है, एबीसीडी। इसमें पैरेलल साइड्स क्या है बताइए बेटा, ए बी और सी डी। AB का मिड पॉइंट क्या बेटा, P, means AP PD के इक्वल है। और BC का मिड पॉइंट क्या है, Q, means BQ QC के इक्वल है। तो इस बात का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं सपोज इस क्वेश्चन में AB 8 है, सपोज मैं इसको भी प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ पहला दो मिनट में कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, और अगले पांच मिनट इस बात को प्रूव करूंगा जो स्कूल लेवल पे भी आती है, ठीक है। तो अगर मैं ए बी 8 कह रहा हूं और डीसी मैं कह रहा हूं 16, और अगर मैं पूछूं कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी, और पी क्यू जो है ना वो नॉन पैरेलल साइड्स एडी और बीसी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो इसके डायरेक्ट ट्रिक क्या है कॉम्पिटिटिव के लिए, इस 16 और 8 को ऐड करो, पैरेलल साइड्स की लेंथ को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 24 बाय 2 कितना हुआ बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो ये तो होगी डायरेक्ट ट्रिक, लेकिन मैं इसका प्रूफ बताने वाला हूं आपको। तो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वो पैरेलल साइड्स की लेंथ की एवरेज भी है कह सकते हो। 8 और 16 की एवरेज क्या होगी, 8 प्लस 16 बाय 2, 12 आ गया। आगे समझ, तो कॉम्पिटिटिव में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या ओलंपियाड्स होते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन स्कूल लेवल पे हमें इसको प्रूव करना आता है। तो मैं प्रूव इसलिए करवाता हूँ बच्चों को, ताकि वो लाइफ लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भी रहे, ठीक है जी। और अगर कोई स्कूल लेवल का स्टूडेंट भी इसको देख रहा है तो वो देख सकता है कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए अब इसका प्रूफ देखिए, मैं कह रहा हूं आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, ज्वाइन ए क्यू, ठीक है बेटा, ए क्यू को ज्वाइन कर दो, उसको प्रोड्यूस कर दो वहां तक जहां पे वो डीसी प्रोड्यूस को कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे को दिक्कत ना आए, ठीक है। और डीसी को भी प्रोड्यूस कर देता हूं मैं आगे तक, आइए डीसी यहां तक तो थी, इसको डीसी को भी मैंने प्रोड्यूस कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन है हमारे क्वेश्चन की, कंस्ट्रक्शन का क्लिक क्या होगा, हर चीज लिखूंगा नहीं, अब आपने सोचना दिमाग से कि आप इसे लिख लेंगे खुद ही। ओके डन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख के आओगे बोलो, लिख लो अपनी नोटबुक में, ज्वाइन ए क्यू एंड प्रोड्यूस इट टू मीट डीसी प्रोड्यूस एट सम अदर पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज ई, ठीक है जी। गिवन में क्या लिख के आओगे बोलो, गिवन में लिख के आओगे एपी इज इक्वल टू पीडी, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है जी। बी क्यू किसके इक्वल है बेटा, क्यू सी के, और एपी किसके इक्वल है, पीडी के, मींस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख के आओगे, ज्वाइन ए क्यू एंड प्रोड्यूस इट टू मीट डीसी प्रोड्यूस एट ई, बोलो यहां तक आ गया समझ सबको। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमारा पर्पस क्या है आज, अभी हमारा पर्पस ये है, ये जो पी क्यू है किसी तरह से ए बी और डी सी के सम का आधा प्रूव हो जाए, ए बी प्लस डी सी बाय टू, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में मैं ट्रायंगल ए बी क्यू और ई सी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। ट्रायंगल ए बी क्यू उठाई एंड ट्रायंगल ई सी क्यू उठा ली। अब जल्दी से बताना एंगल, पेन गिर गया, जल्दी से बताओ बेटा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू क्यों है, आपको ये तो बड़ा सिंपल है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिखना है आपने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं तो शॉर्ट में लिख दिया लेकिन आपने पूरा लिखना है. एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, बताइए क्यों है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा. एंड बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी क्यों है बताओ बेटा. हाँ जी, ये तो गिवन है ना, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी बिकॉज क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है बेटा. यहां तक आ गया समझ अच्छे से. तो ये दोनों ट्रायंगल कौन क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रेंट होगी. कौन सी दो ट्रायंगल फिर से बताओ, ट्रायंगल ए बी क्यू जो हो गई, ट्रायंगल ई सी क्यू के कॉन्ग्रेंट हो गई. किस लॉजिक से हो गई, ए एस ए, किस लॉजिक से हो गई, बाय एंगल साइड एंगल, इससे कॉन्ग्रेंट हो गई. कॉन्ग्रेंट हो गई तो क्या क्या होगा जल्दी बताओ फिर. ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इज इक्वल टू, देखो ए बी क्यू और ई सी क्यू मैंने कॉन्ग्रेंट लिख दिया. यहां तक आ गया समझ सबको. तो हमारा ए क्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू ई के. ए क्यू इज इक्वल टू क्यू ई, क्यों हुआ, सी पी सी टी, ए क्यू क्यू ई के इक्वल हो गया. और क्या किसके इक्वल हो गया, ध्यान से देखो, जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, सी के. ए बी किसके इक्वल हो गया, सी के, सी पी सी टी, ए बी इज इक्वल टू सी सी पी सी टी. कोई डाउट है यहां तक. अब एक बात आओ, ए क्यू क्यू ई के इक्वल प्रूव करा है आपने, तो क्यू मिड पॉइंट हो गया ना ए का. क्यू किसका मिड, जब आपने ए क्यू क्यू ई के इक्वल प्रूव करा है अभी अभी, इससे ये आपने इंटरप्रेट किया ना, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए. अब मेरे को जल्दी से बताओ, पी जो है हमारा, पी यहां पे लिखा हुआ था, पी ये वाला पी तो ए डी का ऑलरेडी मिड पॉइंट है, P is midpoint of AD, given ना, P is midpoint of AD, ये बात तो ऑलरेडी गिवन है. किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए. तो मैं ट्रायंगल ADE में क्या बोला मैंने, मैं ट्रायंगल ADE में, ये ऊपर वाला रब कर दूं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है ये तो आपको समझ आ गई ना, आप रिवाइंड करके देख लेना, मुझे स्पेस चाहिए आगे करने के लिए, ठीक है जी. तो इन ट्रायंगल ADE, फिर से देखना, इन ट्रायंगल ADE, ADE ट्रायंगल नजर आ रही है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, P इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है. ये मैंने यहां लिख दिया ना, इसको मैं दोबारा नहीं लिखता, दो पॉइंट पकड़ लीजिए, मैं सिर्फ बोल देता हूं, इन ट्रायंगल ADE बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मुझे क्या पता लगा, PQ इज हाफ ऑफ DE, ADE में PQ इज हाफ ऑफ DE. वैसे तो मिड पॉइंट थ्योरम में PQ DE का हाफ भी और पैरेलल भी है, लेकिन पैरेलल वाली बात मुझे अभी चाहिए भी नहीं, उसका कोई यूज नहीं है. वैसे मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट तो यही होती है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है. हमारे को तो इक्वल टू हाफ ऑफ इट वाली बात से ही काम चल जाएगा हमारे प्रूफ का. पी मिड पॉइंट है एडी का, क्यू मिड पॉइंट अभी अभी प्रूव किया एडी का, तो पी क्यू इज पैरेलल टू डी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ डी, पी क्यू इज हाफ ऑफ डी को मैंने पकड़ लिया, हाफ ऑफ डी ई, डी को ब्रेक कर दो, डी सी प्लस सी ई,
डी को ब्रेक कर दिया, डी सी प्लस सीई। अब जल्दी बताओ पी क्यू इज हाफ ऑफ डी सी प्लस सीई की जगह क्या लिख सकता हूं? अभी सी मैंने थोड़ी देर पहले ए बी के इक्वल प्रूव किया था, डी सी प्लस ए बी हो गया प्रूव। ये देखो हो गया, ये बस यही तो प्रूव करना था। जो पी क्यू है हमारा, ये देखो हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी हो गया ना इस लाइन में प्रूव। ये देखो हेंस प्रूव। तो मैंने पूरा प्रूव किया ये आपके सामने। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, प्रूव नहीं करना, कॉम्पिटिटिव में स्कूल लेवल पे करने होते हैं प्रूव। आपने तो सीधा करना है यार, ये मिड पॉइंट है, सपोज ये 7 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं, सपोज एम और एन, और ए बी पैरेलल टू डी सी है ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड, तो एम एन निकालना है। तो आप क्या करोगे माइंड में, 10 + 7 = 17/2 = 8.5 सेंटीमीटर। अब आपको ट्रिक भी समझ आ गई है और पूरा प्रूफ भी समझ आ गया। थैंक यू।